So, as we all know, what is market? A market is a place where buyer and seller meet for exchange of goods and services. Now, the concept is, what is marketing? Okay, so let's be simple. What is marketing? Marketing is getting and keeping the customer. Means, marketing kya hoti hai? Customers ko lana aur unko apne paas rakhna. Matlab ki पोटेंशियल कस्टमर्स को, सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव करके रखना ताकि वो आपके ही प्रोडक्ट्स परचेज करें, वो होती है मार्केटिंग. मार्केटिंग इज गेटिंग, उनको लाना एंड कीपिंग, उनको रखना अपने पास. द कस्टमर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. नाउ नेचर ऑफ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग के नेचर्स क्या क्या होते हैं, मार्केटिंग किस तरह की होती है? सबसे पहले ये कस्टमर ओरिएंटेड होती है. कस्टमर ओरिएंटेड कैसे होती है? क्योंकि जो हम मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो कस्टमर डिमांड करती है, जो कस्टमर की नीड्स है, इसलिए हम इसको कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेड. द नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी. ऑब्वियसली अगर कोई हमसे सामान खरीद रहा है, कोई जानवर तो खरीदेगा नहीं, ह्यूमन ही परचेज करेगा. मार्केट के अंदर जो सामान लेने जाता है वो ह्यूमन बींग ही होता है, और जो सेल करता है वो भी ह्यूमन बींग होता है, तो इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी है. द नेक्स्ट इज एक्सचेंज प्रोसेस. अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में आप मनी भी तो उनको दे रहे हैं, तो इसलिए ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है. मार्केटिंग इज एक एक्सचेंज प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड. मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड बिकॉज जब भी हम कुछ मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो एक कंपनी का गोल क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो मार्केट के अंदर, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज क्रिएटिव. अब हम मार्केट में जाते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो क्या होता है कि हम कैसे पहचाने कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, या फिर किस तरह से हम प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सारा क्रिएटिविटी के अंदर आता है. तो मार्केटिंग का एक ये भी नेचर है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए. कोई भी अगर हम प्रोडक्ट सेल करना है अपना मार्केट के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए. द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आप थोड़े टाइम के लिए अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आपके लिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी में लेके आ रहे हैं. द लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट. अब आप सारे टारगेट मार्केट को, सारे जो मार्केट है उन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते एक साथ में, तो आपको अपने मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट मार्केटिंग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. मतलब कि एक टारगेट मार्केट चूज़ करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करके उसको सेटिस्फाई कर सको. तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मार्केटिंग. नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग का स्कोप कहाँ कहाँ है, किस किस जगह मार्केटिंग का स्कोप है? सबसे पहले स्टडी ऑफ कंज्यूमर वॉन्ट्स एंड नीड. सबसे जो मेन फंक्शन है, जो मेन स्कोप ऑफ मार्केटिंग है, वो है कंज्यूमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को स्टडी करना. कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर किस चीज़ से सेटिस्फाई हो सकता है, तो इसकी स्टडी करने में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. अब जब कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स को हम स्टडी कर पाएंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए. हम उसको जब, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हम उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये चेंजेस नीडेड है, तो इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए. नेक्स्ट इज ब्रांडिंग. मार्केटिंग ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर आपकी अच्छी मार्केटिंग है, तो आपका एक ब्रांड इमेज बन जाएगी. अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी दे रही हो, तो ऑब्वियसली आपका एक ब्रांड मार्केट में बन जाएगा. द नेक्स्ट इज पैकेजिंग. मार्केटिंग का स्कोप पैकेजिंग में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैकेजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए. आधे से ज़्यादा टाइम हम लोग क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जिनकी पैकेजिंग हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. जैसे कि मार्केट में क्या होता है, जो छोटी छोटी बोटल्स आती है, लाइक कैल्शियम की बोतल अगर आपने देखी हो, तो उनकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, अगर बच्चा नहीं भी खाना चाहेगा ना, तो भी वो बोतल को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा और वो परचेज करने के लिए बोलेगा. द नेक्स्ट इज प्रमोशन. मार्केटिंग का स्कोप प्रमोशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी मार्केटिंग्स अच्छी हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपकी एक प्रमोशन लेवल इस तरह से बन जाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स को लोग परचेज भी करेंगे, साथ में साथ वर्ड ऑफ माउथ भी आपके प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा होगा अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रही है. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग नेचर एंड स्कोप. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.